बीच एक और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के लिहाज से मिल रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में बड़ा उलटफेर हो सकता है, एक बड़ा झटका अखिलेश यादव को लग सकता है, इंडिया गठबंधन को लग सकता है। लोकसभा में जब से मोदी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया है, तब से विरोधियों के हाथ पांव फिलहाल फूले हुए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मोदी ने अपना कैलकुलेशन दे दिया। मोदी ने बता दिया कि 370 सीटें बीजेपी जीतेगी। अब खबर यह आ रही है जिससे मोदी विरोधियों की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर सकता है। उत्तर प्रदेश से खबर यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले इंडी गठबंधन में डेंट लग सकता है, यानी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूट सकता है। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं, यानी इंडिया अलायंस को वो अलविदा कह सकते हैं। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ ही जयंत चौधरी इंडी गठबंधन को कभी भी अलविदा कह सकते हैं। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी जल्दी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए डील भी लगभग फाइनल हो गई है। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट का ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस ऑफर को जयंत चौधरी ने मान भी लिया है। जयंत के एनडीए में आने से वेस्ट यूपी के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी इंडी अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इन चारों राज्यों में लोकसभा की 40 ऐसी सीटें हैं जहां जाट वोटर किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन में एक एक करके नेता बाहर हो रहे हैं, उससे देखकर तो लगता है कि मोदी का 400 सीट वाला टारगेट मुश्किल नहीं है। अब इस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की कहानी 8 महीने पहले ही रची जा चुकी थी, 8 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक तब दिल्ली में जयंत चौधरी से गठबंधन के लिए गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी, लेकिन बीजेपी ने जयंत को गठबंधन की बजाय अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने का ऑफर दिया था। तब जयंत चौधरी विलय के लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन 20 दिन पहले मोदी सरकार के एक सीनियर मंत्री की पहल पर एक बार फिर जयंत चौधरी के साथ डील संभव हो पाई है। इस बार डील लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। लगभग ये तय हो गया है कि जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव की साइकिल से उतरकर कमल के साथ आने जा रहे हैं, यानी एनडीए के साथ आने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका इंडिया अलायंस को लग सकता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन सीटों पर जहां बीजेपी अपने आप को कमजोर समझती है, जहां बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होता है, वहां जयंत चौधरी के आने से बीजेपी को खासा फायदा हो सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। ये सीट है बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा। इन सीटों पर जाट वोटर जीत और हार तय करते हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज जीत की थी, जबकि अमरोहा की सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। अमरोहा वो सीट है जहां पर बीजेपी के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अमरोहा 2019 के चुनावों में भी नहीं जीत पाई थी, और ऐसे में अगर जयंत चौधरी अमरोहा सीट उन्हें मिलती है तो बीजेपी के लिए काफी मुफीद साबित हो सकते हैं। और सिर्फ अमरोहा नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उस पर जाट वोटर काफी निर्णायक भूमिका में रहता है। ऐसे में अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आती है तो ये बीजेपी और आरएलडी के लिए दोनों के लिए ही फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि 3 सीटों पर आरएलडी को मनाने में बीजेपी लगी हुई है। सूत्रों की माने तो इसके साथ ही आरएलडी की 2 और मांगे हैं जो वो बीजेपी से पूरा कराना चाहती है। जो पहली मांग बीजेपी से आरएलडी की है वो ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, और जो दूसरी डिमांड आरएलडी की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से बीजेपी के सामने रखी गई है, वो ये कि यूपी सरकार में आरएलडी को भी हिस्सेदार बनाया जाए, यानी आरएलडी को भी हिस्सेदारी दी जाए। यूपी सरकार में कैबिनेट विस्तार जब हो तो आरएलडी के विधायकों को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जाए। ये 2 मांग फिलहाल जयंत चौधरी की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये समझ में आ रहा है कि यूपी में एक बड़ा झटका राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लगने जा रहा है। जयंत चौधरी के एनडीए में आने के बाद बीजेपी का यूपी में 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट ज्यादा आसान हो सकता है। जयंत चौधरी जाटलैंड के सबसे बड़े नेता हैं। पश्चिम यूपी में जाट आबादी करीब 17% है, इसका 18 लोकसभा सीटों पर असर पड़ता है। हालांकि 2019 के चुनाव में भी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी बीजेपी को जाटलैंड से 91% वोट मिले थे। बागपत, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, ये वो निर्णायक लोकसभा सीटें हैं जहां पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में रहता है, और इन सीटों पर
आरएलडी के साथ आने के बाद बीजेपी की जीत और भी ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगी, एनडीए की जीत और भी ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। हालांकि जितनी भी सीटें हैं यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किलें बीजेपी के लिए नहीं रहती हैं, इसमें से बिजनौर एक ऐसा जरूर इलाका है जहां बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब जयंत के एनडीए में शामिल होने के बाद क्या होगा, आपको बताएं, यूपी में बीजेपी का कुनबा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जबकि पहले से कमजोर इंडी गठबंधन और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। बीजेपी का जाट वोट बैंक मजबूत होगा तो इंडी अलायंस से जाट वोट खिसक जाएगा, बीजेपी को पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप करने का मौका मिल जाएगा, वहीं इंडिया अलायंस के लिए वेस्ट यूपी में चुनौती बढ़ जाएगी। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने का असर यूपी के बाहर भी पड़ेगा, हरियाणा के जाट वोटर भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो जयंत चौधरी को साथ लाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से जो सबसे ज्यादा आशा लगाकर बैठी है, जो सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठी है और 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा करती है, जयंत चौधरी अगर आएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खासा फायदा पहुंचेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटें ऑफर की थी, जबकि बीजेपी की तरफ से आरएलडी को सिर्फ 4 सीटें ही ऑफर की गई हैं। सीटों को ऑफर जो मिला है, आपको बताएं, अखिलेश यादव ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर की सीट पर आरएलडी के सिंबल पर अपना प्रत्याशी चाहा था, लेकिन इस बार जयंत को अखिलेश का ये फॉर्मूला मंजूर नहीं था। विधानसभा के चुनावों में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर उतारा था, इससे खासा नाराज जयंत चौधरी हुए थे और इस बार ये समझा जा रहा है कि सारी बातें नाराजगी की वजह बन सकती हैं। हालांकि जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि बीजेपी के साथ आने से ही उन्हें फायदा है, हिंदू वोटर इस वक्त निर्णायक भूमिका में है, खासकर अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जाट सेंटिमेंट हिंदू सेंटिमेंट से जुड़ता है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आ जाना, ताकि ये पूरा का पूरा वोट बैंक इंटैक्ट हो जाए और वो सीटें जो मुश्किल सीटें बीजेपी के लिए 2019 में रही थी, उन सीटों पर भी बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाए, एनडीए अपना प्रत्याशी जिताने में कामयाब हो जाए।